जो बीजेपी के नाक में दम करके रखता है, उन्हें धीरे 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 कर कर ईडी और सीबीआई का जांच के बहाने उन्हें अंदर किया जाए। मोदी जी ने कहा था भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी सारे उनके पार्टी में जा रहे हैं। जो उनके पार्टी में जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जा रहे हैं। मणिपुर को बिल्कुल शांत कर दिया गया भैया, 2024 तक चुप रहो। 2024 का इलेक्शन है तो 2024 तक आप चुप रहिए भैया। 2024 के बाद मणिपुर में बात करेंगे। डंका से डर के मतलब हर एक आम आदमी पार्टी के बंदों को अंदर किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भाई इंडिया गठबंधन का डंका बज रहा है। बीजेपी काउंसलर खरीदती, बीजेपी एमएलए खरीदती, बीजेपी पार्षद खरीदती। अरे मोदी होने के बाद तो हम बात कर रहे हैं, मोदी ना होता तो सही में हम अपने घर में बैठ कर रोटी चूल्हा में रोटी सेकते और बच्चों को खिलाते। मोदी के वजह से तो बात करने को मिल रहा भैया। मोदी जी हमारे देश, सुनिए, हमारे मोदी जी हमारे देश का बेड़ा गर्क नहीं करते, हम रोड पे आते नहीं। 2024 में तो फिर भी वापस तू आने की कोशिश करेगा ईडी के बल पे, अरे भैया सीबीआई के दम पे। आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, हर एक बड़े बड़े लीडर को जो दमदार बोलता है, जो बीजेपी के नाक में दम करके रखता है, उन्हें धीरे 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 कर कर ईडी और सीबीआई का जांच के बहाने उन्हें अंदर किया जाए, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता है। मोदी जी पहले ही कहा था ना कि सारे भ्रष्टाचारी जाएंगे अंदर। अरे मोदी जी ने तो पहले कहा था भैया, लेकिन मोदी जी उस काम पे निर्भर नहीं हो पाए। मोदी जी ने कहा था भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी सारे उनके पार्टी में जा रहे हैं। जो उनके पार्टी में जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जा रहे हैं। आपको पता नहीं है भैया, जो उनके पार्टी में जाएंगे वो भ्रष्टाचार मुक्त होंगे, और जो उनके पार्टी में नहीं जाएंगे वो भ्रष्टाचारी बनेंगे। भैया कौन से नेता है वो, कौन से नेता है जो बीजेपी में शामिल? रमेश बिदोड़ी, आप लोगों को पता नहीं है? ब्रिजभूषण, देश की बेटियों को ये सब गोदी मीडिया दलाल मीडिया नहीं दिखाती कि देश की बेटियों को रोज रोड पे जिस दिन सदन का उद्घाटन किया जा रहा था, उस दिन हमारी देश की बेटियों को जो गोल्ड मेडल लेके आई थी उनको जमीन पे घसीटा जा रहा था। ये है मोदी जी का प्लान, ये है मोदी जी का देश में महिला सुरक्षा, ये है मोदी जी का अमृत समारोह। पता नहीं आपको मणिपुर में शांत हो गया भैया? मणिपुर शांत नहीं हो गया, मणिपुर को बिल्कुल शांत कर दिया गया भैया। 2024 तक चुप रहो, 2024 का इलेक्शन है तो 2024 तक आप चुप रहिए भैया। 2024 के बाद मणिपुर में बात करेंगे। सैनिक की बीबी के साथ निर्वस्त्र करके रोड पे नंगा पैर कराया गया, लेकिन मोदी जी के कान में जुआ नहीं रहेगा, उनकी मन की बात उस टाइम नहीं निकला, क्योंकि वो देश की बेटी है। वो क्या जो बे औलाद है वो देश की बेटी और देश की महिलाओं को क्या इज्जत करेंगे? जो अपनी बीवी का इज्जत नहीं कर पाया, अपनी बीवी का इज्जत नहीं कर पाया, तो हमारी देश की बेटी और हमारे देश की महिलाओं का क्या इज्जत करेंगे? वो तो देश के लिए काम कर रहे हैं ना। क्या देश के लिए काम कर रहे हैं? क्या देश के लिए काम कर रहे हैं? आप काम दिखाइए, आप काम दिखाइए। अच्छा जी, डंका बज रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा, डंका बज रहा है। डंका तो ऐसा बज रहा है, ऐसा बज रहा है, ऐसा बज रहा है, ऐसा बज रहा है। मोदी जी डंका से डर के मतलब हर एक आम आदमी पार्टी के बंदों को अंदर किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भाई इंडिया गठबंधन का डंका बज रहा है। आपको पता नहीं है डंका बज रहा है भैया? डंका उसमें तो पहले फूट डल रही है। अरे फूट डालो रोटी सेको, तो वो राजनीति उनका है। बीजेपी का, बीजेपी काउंसलर खरीदती, बीजेपी एमएलए खरीदती, बीजेपी पार्षद खरीदती, तो बीजेपी का तो काम ही यही है, फूट डालो राजनीति करो। और रही बात संजय सिंह जी की, संजय सिंह जी हमारे पूरे देश के नहीं, अपने पूरी दिल्ली के, यूपी के, सबके सबसे एक महत्वपूर्ण चेहरा है, महत्वपूर्ण छवि है। उनकी एक बोली से सबके दिल में एक राहत मिलती है कि हाँ हमारे सामने ऐसा लीडर है। लेकिन इसी चीज को बीजेपी को रास कहाँ आएगी भैया? उनके सीने में दर्द कैसे हो रहा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? वो दर्द का बुखलाहट है जो आज क्या होता है हमारे संजय सिंह जी को अंदर करा गया, क्योंकि ये सिर्फ संजय सिंह को नहीं पूरी दिल्ली की जनता के दिल में हाथ हाँ भैया अवतार है। पूजा करिए, आरती उतारिए, स्वागत कीजिए, मालों से स्वागत कीजिए। जो गोबर भक्त है, जो गोबर भक्त है, जो अंध भक्त है, एक मिनट, जो गोबर भक्त है, जो अंध भक्त है, वही वही तो दूध बरसाएंगे।
भैया, अंध भक्तों के दिमाग में एक विकास का चश्मा डाल रखा है भैया। आप तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट देना, नहीं तो यहाँ पर खड़े होकर बात नहीं कर पाते मीडिया। अरे मोदी होने के बाद तो हम बात कर रहे हैं, मोदी ना होता तो सही में हम अपने घर में बैठ के रोटी खिला रहे, रोटी सेकते और बच्चों को खिलाते। मोदी के वजह से तो बात करने को मिल रहा भैया। मोदी जी हमारे देश, सुनिए, हमारे मोदी जी हमारे देश का बेड़ा गर्क नहीं करते। हम रोड पे आते नहीं, रोड पे हम आते नहीं, मोदी जी ने तो देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। मोदी जी का विकास एक मिनट, मोदी जी का विकास बताती हूँ मैं एक गाना के माध्यम से। ओ मेरे नेताजी, 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 तुम्हें जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो देश लूट के चला जाएगा, 2024 में तो फिर भी वापस तू आने की कोशिश करेगा। ईडी के बल पे, अरे भैया सीबीआई के दम पे, ओ भैया ईडी के दम पे, सीबीआई के दम पे, सबके दम पर तो मोदी जी आने की कोशिश करेंगे ना, और आएंगे किस लिए? आने जो अंधभक्त, जो गोवर्धन, जो अंधभक्त, जो गोदी मीडिया। एक मिनट सुनिए, गोदी मीडिया को क्या मोदी जी ने क्या बोला, मोदी जी के एक विधायक जी ने क्या बताया आप लोगों को कि मीडिया वालों को भाई बुला लिया जाए, चाय पे बुलाया जाए, नहीं तो हमारे विरुद्ध दिखाएगा। तो इससे पता चलता है कि गोदी मीडिया कितनी बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया कितनी बिकाऊ मीडिया है। सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई दिखा रहे भैया, बिल्कुल सच्चाई तो दिखाएंगे। 2014 में आए थे सच्चाई दिखा के, 15 लाख का झांसा दिया था, 15 लाख का झांसा देके उन्होंने कहा था कि 15 लाख का झांसा देखे अब वो वोट ले जाए, तो 2014 में तो ले गए थे। अब 2024 में झांसा नहीं मिल रहा उनको, तो 2024 में ये ईडी और सीबीआई का जांच मिल रहा है, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा रह नहीं गया। तो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कर करके, भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों को एक और कोई चीज नहीं दिखाते हैं गोदी मीडिया। आज अगर केजरीवाल, अच्छा जी केजरीवाल गिरफ्तार, कितने सारे केजरीवाल है सबको गिरफ्तार करिए, कितने केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे? जनता बिना केजरीवाल के भी जनता केजरीवाल को वोट देगी। अच्छा वो जो ताना शाही है, ताना शाही जो चलने वाला है और जुल्म जो करता ना, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, इनकलाब का नारा होगा, इनकलाब का नारा है। नेता जेल में जा रहा है तो जनता का जुनून कदम, जनता का जुनून, कार्यकर्ता का जुनून बढ़ रहा है और डबल हो रहा है। जो शांत बैठे थे कार्यकर्ता, मोदी जी उनको खोला रहे हैं, खोला खोला के ऊपर ला रहे हैं। मोदी जी अगर कुछ नहीं करते ना, तो मोदी जी तो कम से कम आ जाते, लेकिन वो अडानी महा ईमानदार आदमी है। अच्छा भैया, अच्छा भैया, अडानी अंबानी को मोदी जी ने सर पे बैठाया है, मोदी जी ने अडानी अंबानी को सर पे बैठाकर, और जितने भी देश में बैंकों में पैसा है, सारा पैसा को लुटवा दिया अडानी अंबानी के लिए तो लुटवाया, और किसके लिए लुटवाया आप लोग बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।